नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं ओडिशा की ओर। ओडिशा की 63 वर्षीय मीनाती पटनायक भले ही अरबपति ना हो, लेकिन उनकी दरियादिली ने लोगों का दिल जीत लिया है। इस विधवा के पास कटक में सूताहाट इलाके में एक 3 मंजिला घर और कुछ आभूषण है, जो उन्होंने 50 वर्षीय रिक्शा चालक को बुद्ध सामल को दान कर दिए। इस सब की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए आकी जा रही है। सोशल मीडिया पर महिला के फैसले की सराहना और रिक्शा चालक की सादगी और ईमानदारी की तारीफ हो रही है। न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के अनुसार ओडिशा के कटक शहर में 63 वर्षीय विधवा मीनाती पटनायक ने अपने सारी संपत्ति लगभग 1 करोड़ रुपये एक रिक्शा चालक को दान कर दी। महिला ने ANI से कहा कि मेरे पति और मेरे बेटे की मृत्यु के बाद बुद्ध सामल और उनका परिवार मेरी देखरेख कर रहा है, इसलिए मैं उन्हें अपनी सारी संपत्ति दे रही हूँ। मीनाती ने बताया कि बुद्ध सामल ने हमेशा मेरे परिवार की मदद की है। उन्होंने आगे कहा कि भले ही वे 50 साल का है, लेकिन उसकी पत्नी मुझे माँ कहती है और उसके बच्चे मुझे दादी भी कहते हैं। उसकी सादगी और ईमानदारी के आगे यह संपत्ति कुछ नहीं है। बुद्ध ने कहा कि वे शुरू से इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के अनिच्छुक थे, लेकिन माँ मीनाती फैसला कर चुकी थी। उसने जोर देकर कहा कि उसके साथ रहें, वो मेरे परिवार के सभी लोगों से प्यार करती हैं। मीनाती ने बताया कि बुद्ध सामल मेरी बेटी को स्कूल छोड़ा करता था, ऐसे में जब भी हमें रिक्शा की जरूरत होती थी वह हमें उसे फ़ोन करके बुला लिया करते थे। समय के साथ मेरी निर्भरता बुद्ध और उसकी पत्नी पर बढ़ती गई। उसकी पत्नी मेरे घर के काम में मदद करती, साथ ही मुश्किल परिस्थिति में उसने मुझे इमोशनली सपोर्ट भी किया। जब मैंने संपत्ति सौंपने का निर्णय लिया तो मेरे भाई बहनों ने कुछ नाराजगी थी, लेकिन चूंकि मैंने फैसला कर लिया इसलिए उन्होंने विरोध नहीं किया। तो दोस्तों, आपके आसपास भी कुछ ऐसे दानवीर होते हैं जो अपनी सारी संपत्ति, अपना व्यवहार, अपने मन इस तरह से दान कर देते हैं। अगर आपके आसपास भी ऐसी कोई घटना हो तो हमें अपने कमेंट्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।